अलीगढ़ में लगातार 3 दिनों से हो रही बरसात अब किसानों के लिए कहीं ना कहीं आफत बन चुकी है। आज उसी के विरोध में लगातार जो किसान है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 20 गांव के किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग एक ही है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्द से जल्द की जाए। बातचीत करने के लिए तमाम जो किसान सेना के पदाधिकारी है वो मेरे साथ है, उसके अलावा करीब 20 गांव के जो किसान है वो मेरे साथ मौजूद है। ये बताइए किस तरह विरोध प्रदर्शन चल रहा है, किस तरह की डिमांड कर रहे हैं, क्या हुआ है, पूरी बात बताइए। ये जनता क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, प्रशासन ने कागजों में बंदर बांट करके उस पैसे का कर लिया है। 28 से 30 गांव पानी में डूब चुके हैं, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करना है। वीडियो करें, मेरे अंडर मामला कुछ नहीं है। 3-3, 4-4 मौतें हो गई उस पानी में डूब करके, बच्चों की और जनानों की और मकान से गिर करके, लेकिन कोई प्रशासन आज तक वहां पहुंचने को तैयार नहीं है। और डीएम साहब लहराती फसलों में अपना फोटो खिंचवा करके वीडियो और उस पर डाल लें, फेसबुक पर डाल लें, मदद का आश्वासन देते हैं मुख्यमंत्री किसानों के साथ होने की बात, सरकार देने की बात करिए, लेकिन नीचे प्रशासन सरकार देने की मांग कर रही है। आदेश हो चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी नीचे चैन होती है लेखपाल की, लेखपाल नहीं पहुंच पा रहा गांव में भी, तो और तो पैसे मुआवजे क्या मिलेंगे। खैर, एक लेखपाल तो पहले पहुंचे, लोगों की बात सुन, लोगों की समस्या सुने। किन किन चीजों का नुकसान है, कुल कितना नुकसान है? मकानों से लेके जनता हित की लेकर के गेहूं बाजरा जो भी फसलें हैं इस समय की, वो सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। वो बात का काम है, 3-3, 4-4 दिन से जनता के घर में खाना नहीं बन पा रहा है। महिला बच्चे की समस्या तो ये है, महिला बच्चे की मौत का मामला है, महिला की बच्चे की भी मौत हुई है, क्या मानते हैं? हाँ, ये बताइए, आप बताइए किस गांव से आए हैं, किस तरह की मामले? गांव से आया हूँ, मैं गली गांव से आया हूँ और काफी पानी भरा हुआ है। किसान जितने भी बहुत परेशान है और सारे बच्चे भैंस अपनी मवेशियों लेकर के सड़क पर रहने लगे हैं। खाना पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं दो दो तीन दिन खाना नहीं बना है, ज्यादा तक समस्या है। हम तो केवल यह आदर्श लेके आए हैं कि नाला आज भी साफ हो जाए। बताइए, लगातार किसान एक साल अपनी फसल को सजोता है, उसके बाद फसल को कटान करता है, हालत अभी ऐसे है कि बहुत किसानों की बहुत बड़ी परेशानी है। जिस तरीके से जलमग्न हुआ है किसानों के आगे खेतों में, तरह से नष्ट हो चुके हैं, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं कराई गई है। देखिए तस्वीरें किस तरह है, लगातार जो किसान है प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। डिमांड इन लोगों की एक ही है कि जो लगातार जो नुकसान हो रहा है किसानों का, कहीं ना कहीं भरपाई की जाए। ये बताइए नेताजी, किस तरह कितने गांव के किसान आए होंगे, नुकसान किस किस तरह के हुए? ये कम से कम 25-30 गांव के आदमी, हर गांव से 4-5 निकलने की व्यवस्था नहीं है। जैसे भी लोग ट्रैक्टर से निकले हैं, पैदल निकले हैं, ये 5-7 गांव के आदमी है फिलहाल। फसल ऐसी कितनी है जो कि जलमग्न, 2000 बीघा कम से कम फसल नष्ट हो चुकी है, और ज्यादा का आकलन वहाँ जाकर प्रशासन देखे जा करके, मुख्यमंत्री किसानों पब्लिक जाकर के देखे तो पब्लिक का दर्द क्या, पानी में 5-5 फीट पानी चल रहा है वहाँ पे। मुख्यमंत्री किसानों के साथ रहने की बात करते हैं, बोलते हैं किसानों की हर संभव मदद। ये मुख्यमंत्री बोलते हैं लेकिन अधिकारी नहीं बोलते, आवाज में नहीं। हाँ, ये बताइए किस गांव से आए हैं, किस तरह की डिमांड से, क्या चाहते हैं? दभी से आए हम तो साथ, दभी थे। हाँ, कुछ दवा मामला है, किस तरह की शिकायत? झारपुर दलियापुर पानी तनो है, कहाँ बैठी कोई पशु सड़क पे बैठे, जनानी चट्टी को परेशान, क्या करे, कहाँ जाए? अभी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या है? मांग पूरी नहीं बनेंगे। तमाम सारे और भी ऐसे किसान मेरे साथ लगातार मौजूद हैं, चूंकि दूर दराज से आए। बताइए कहाँ से आए हैं, किस तरह का मामला है? ग्राम पंचायत दरियापुर से आए, हमारी ज्यादा बड़ी आपदा है, गांव के लोग सड़क में बस रहे हैं, तम्बू डाल डाल के। अगर हमारी समस्या का समाधान न होता है तो हम यहीं बैठेंगे, समस्या समाधान करा के ले जाएंगे। अपनी ऐसी फसल है जो बेकार, कम से कम 4000 बीघे के नुकसान हुआ, ज्यादा है, आपदा ज्यादा बुरी है। पशु कुआ से मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए राशन भी नहीं है लोगों के पास, मकान गिर रहे हैं, कोई सुनवाई करने के लिए राजी है नहीं। तस्वीरें एक बार देख लीजिए, ये तमाम सारे जो सैकड़ों की तादाद में जो किसान है वो अलीगढ़ के मुख्यालय पर, यानी कि कलेक्ट्रेट के ऑफिस कलेक्ट्रेट आए थे, कलेक्ट्रेट के डीएम कार्यालय पर आए थे। लगातार इन लोगों का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग इन लोगों की एक ही है कि जो कहीं ना कहीं लगातार पड़ रही बरसात से जो किसानों का नुकसान है, उस नुकसान की भरपाई कहीं ना कहीं की जाए, और उस भरपाई के साथ साथ कहीं ना कहीं बताना इन लोगों का ये है कि वहां बच्ची की मौत हो गई है, उसके अलावा एक महिला की भी मौत हुई है। लगातार देखिए तस्वीरें एक बार देख लीजिए, डीएम कार्यालय के बाहर सभी किसान सैकड़ों की तादाद में जो किसान है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत इनसे भी एक बार करने का प्रयास किया जाएगा। ये बताइए किस गांव से आए हैं, किस तरह की परेशानी है, क्या मामला लेके आए थे? ब्लॉक अकरावा से आए हैं और 4-5 गाँव के आदमी है। पानी बहुत भरा पड़ा है, धान और वैसी फसल सब नष्ट रहेगी, और पानी को लाए निकास कोई। बताइए अब कितनी फसल ऐसी होगी जो कि पूरी तरह बेकार हो चुकी है?
धान की सब फसल बेकार रहेगी, सबरी फसल बेकार रहेगी। कितने कई मकान गिरे पड़े, कई मकान गिर गए। अब किस तरह डीएम से किस तरह की डिमांड ये देख रहे हैं कि हम तो को नाला साफ है जाए तो पानी को लिकास है जाए जी, शिकायत ले आए। आज आप लोग डीएम के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? प्रदर्शन तो जब तक हमारी सुनवाई ना हो तब तक चले, हो चलता रहेगा, चलता रहेगा। देखिए लगातार मेरे साथ जो तमाम सारे किसान या किसान सेना के जो पदाधिकारी है वो मेरे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर लोगों का कहना यही है कि जो परेशानी है उससे निजात दिलाई जाए, कहीं ना कहीं जो नुकसान किसानों का है उसकी भरपाई कराई जाए और मुआवजा दिलाया जाए। फिलहाल मेरे सहयोगी अजरनवाब के साथ मैं विनय मातो से यूपी अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।